अच्छा जनाब, आज की एक और छोटी क्लास के अंदर मैं आपको एडोब फायरफ्लाई का टेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप खूबसूरत सा बबल टेक्स्ट बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने टेक्स्ट टूल ले लिया और कोई भी टेक्स्ट लिख लिया आपने, जो भी आपका दिल करे। मैंने एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, अपने हिसाब से आप इसको बड़ा कर लीजिएगा। बस जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आपने करना है। इसकी डुप्लीकेट कर ली मैंने कंट्रोल जे से, ठीक है। दो बना के डिज़ाइनर लिखा मैंने, ऊपर भी नीचे भी, और उसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आया, थोड़ा सा बड़ा करा। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल ये टेक्स्ट आपने लिख दिया। अब आप आएंगे सीधे सीधे फाइल के अंदर, फाइल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव एस करेंगे या सेव कर लें। सेव करने के बाद इसका नाम दे दीजिएगा, इसको पीएनजी में सेव कीजिएगा, ठीक है। जेपीजी में कर लें, पीएनजी में, और उसको मैंने डिज़ाइनर के नाम से ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव हो गया और ओके कर लिया आपने, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने ब्राउज़र खोलना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एडोब फायरफ्लाई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट लिख के मैं करूँगा जनरेट, और थोड़ी देर आप करेंगे वेट। अच्छा, ये देख सकते हैं ग्रीन ब्लॉब टाइप का जेल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सही है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं एक सेटिंग करूँगा यहाँ पे, देखें यहाँ से मैं आके लूँगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और उसके करने के बाद आप गौर से देखें, सब चीज़ें ओके हैं, थोड़ा सा नीचे आएँ, और यहाँ से आप लेंगे रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट लेंगे ये वाली, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से आके आपने इसको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अब आप करेंगे जनरेट, थोड़ी देर आपने वेट करना है। अच्छा जी, आपके सामने आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें आप देख सकते हैं पार्टिकल है, पर पार्टिकल्स थोड़े कम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये देखें मैं लिख रहा हूँ बबल पार्टिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर ये बबल पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा शेडिंग लिखूँगा, ताकि थोड़ा सा शेड भी आए, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है यहाँ पर शेडिंग। एक दफ़ा इसको आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो, जो मैंने लिखा है वो कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने सिंपल करना है जनरेट पर क्लिक, थोड़ी देर आपने वेट करना है, उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें से आप अपनी मर्जी का देख लें, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें पार्टिकल्स भी आ चुके हैं, बबल्स आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। और उसको मैंने इस तरह करा, जो जो मैं करूँ आपने वो करना है, ठीक है। और उसको क्लोज़ कर दें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल मुझे समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ से ये देखें सेलेक्ट हुआ हुआ है, और इसकी ताकत को मैं कम कर दूँगा, और विजुअल आइडेंटिफाई को मैं थोड़ा कम कर दूँगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करके अब मैंने जो डिज़ाइनर का ऑप्शन बनाया था उसको मैं कर लूँगा ओपन, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, इसको मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लूँगा लैंडस्केप, और ये इसके अंदर थोड़ा सा कुछ मैं एडिट करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा, जो मैं लिख रहा हूँ आपने सिंपल वही लिखना है, इसके अलावा आपने नहीं लिखना है, ठीक है। जो जो मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीन को रोक कर बड़ा करके देख लीजिएगा, और यहाँ से आप कर देंगे जनरेट। अब ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ये आपके सामने आएगा डिज़ाइनर, ठीक है। सही है, पसंद आया, मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर और कुछ करें, तो हम इसकी विजुअल को बढ़ा देंगे यहाँ पे, और इसको स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐड करता हूँ थोड़ा सा मैं कुछ, और इसको देख लीजिएगा, ब्लैक यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसको जनरेट कर दिया। अभी जनरेट हो रहा है, अच्छा ये जनरेट हो रहा है। और ये एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और कम करता हूँ, आ तो गया बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा जनरेट करके मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ। और ये जो मैं चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा और बेहतरीन लग रहा है। तो यही वो शाहकार था जिसका इंतजार था। और जनाब, अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें लेके आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।